आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट तथा इंटेंट ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक एंड कमेंट करें। यहाँ जो डेटा दिया गया है इसका हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। ऊपर जो डेटा दिया गया है इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है, हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं, तो इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाके ये जो है ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ये सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेटा है देखिए ये सेंटर में आ गया। ज़रा बड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये पहले ऐसे था, जब इसे हम सेलेक्ट करके होम टैब के सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है इसका अलाइनमेंट राइट है, तो इसे भी हम सेलेक्ट करके इस अलाइनमेंट को अगर सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर इसे लेफ्ट में लाना चाहें तो होम टैब के अलाइनमेंट के लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब अगर हमने जो हेडिंग दी है अगर इसे हेडिंग को बड़ा कर दिया या कि कुछ हेडिंग अलग नज़र आए, तो अब जो हमने जो इस हेडिंग में टेक्स्ट लिखी है ये बॉटम में आ गए हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो इसे पहले सेलेक्ट कर लें और फिर अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर मिडिल अलाइनमेंट में क्लिक करें। ये आपका जो डाटा है वो सेंटर में आ गया। इसी तरीके से आप इसे रॉ और बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आपको जिस भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना हो पहले उसे सेलेक्ट कर लें फिर उसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद अब हम देखते हैं इंटेंट ऑप्शन का उपयोग। इंटेंट ऑप्शन का उपयोग, अब यहाँ पर हमने डी कॉलम के नीचे लिख दिया ऑथोराइज सिग्नेचर। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑथोराइज सिग्नेचर यहीं से शुरू हो जहाँ से ये सेंटर में वर्ड शुरू हुए हैं, तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप सेंट्रल कीजिएगा तो ये बीच में चला जाएगा, लेफ्ट कीजिएगा तो इस तरफ चला जाएगा, राइट कीजिएगा तो कॉर्नर पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसे सेंटर में करना तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करके इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा ये हटते जाएगा और आप यहाँ पे सेंटर में इसे लाके ऑथराइज सिग्नेचर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे पीछे करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंटेंट में जाके क्लिक करिएगा तो ये राइट साइड होके कोने पे चला आएगा। इस तरीके से आप इंटेंट
इंक्रीज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज से पीछे करके इसे जहाँ चाहे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा टेक्स्ट अलाइनमेंट तथा इंटेंट ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक एंड कमेंट करें।